हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्टूडेंट ही होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परी कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश फ्लुएंसी, जो कि एक आपका सब्जेक्ट है, बीए प्रोग्राम और बीकॉम दोनों के पास है थर्ड सेमेस्टर में। तो जिन्होंने ले रखा है, आज हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न और कुछ क्वेश्चंस भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का इसका पेपर आता है और क्या क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो अगर मैं बात करूँ इस सब्जेक्ट की, तो ये सब्जेक्ट दिल्ली विश्वविद्यालय ऑल स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो सोल से हो, एनसीबीएफ से हो, चाहे रेगुलर से हो, जिनके पास भी इंग्लिश बी है, इसे इंग्लिश बी बोला जाता है शॉर्ट में, थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो जरा देख लेते हैं, मैं अभी आपके सामने लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा जो 2020-21 में पेपर हुआ था ऑनलाइन, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। और मैं यही आपको बोलूँगा, इसका जो पैटर्न है आप खुद समझ जाएंगे किस तरीके का इसका पैटर्न है। तो ये है एग्ज़ाम पैटर्न, जरा देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ पहले क्वेश्चन पे, जिसमें जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा आपका कॉम्प्रिहेंशन। आप सभी ने देख रखा होगा, ये आपके स्कूल में भी आता था, पढ़ो और आंसर दो, ठीक है। इसी का दूसरा जो पार्ट रहेगा, 15 नंबर इसके मिलेंगे, ये तो बहुत ईजी है, 15 नंबर इसके मिलेंगे प्लस 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे जो आपने ऊपर पैसेज पढ़ा हुआ है। इसी पैसेज को पढ़ के अपने शब्दों में एक समरी लिखनी होगी, जिसके आपको 150 वर्ड की समरी, जिसमें आपको 10 नंबर का आपका रहने वाला है। दूसरा आपका जो उसका पैटर्न है वो है, यू हैव रिसेंटली सीन ए फिल्म एंड आर एक्साइटेड टू टेल यूर फ्रेंड अबाउट इट, राइट ए डायलॉग बिटवीन यूर फ्रेंड एंड यू गिविंग द डिटेल्स अबाउट द, जो इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है। मतलब कि आपने हाल फिलहाल कोई फिल्म देखी हो, कोई भी फिल्म देखी हो, और आप उसको अपने फ्रेंड को बता रहे हो उस फिल्म के बारे में, उसमें कुछ जो डायलॉग हुए हैं वो डायलॉग की डिटेल्स आपको बतानी है। एक एक मतलब एक तरीके से आपको पूरा एक बातचीत लिखनी है, आपने अपने फ्रेंड को क्या क्या बताया और उस व्याप पे आपके फ्रेंड ने आपसे क्या बोला। साफ लिखा है ना, यू हैव रिसेंटली सीन फिल्म आर एक्साइटेड टू टेल यूर फ्रेंड, आप काफ़ी एक्साइटेड हो अपने फ्रेंड को बताने के लिए। राइट ए डायलॉग, एक डायलॉग लिखना है आपकी फ्रेंड और आपके बीच में, ठीक है। फिर आपका है राइट ए डिबेट फेवरिंग ऑफ अगेंस्ट द मोशन ऑन द गिवन टॉपिक फॉर द पॉइंट्स टू फॉलो, एक डिबेट राइट करनी है आपको, मतलब डिबेट बहस, और टॉपिक जो है ये टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर एक डिबेट आपको लिखना है। तो थोड़ा पैटर्न बदला हुआ है तो ठीक है। उसके बाद 25 नंबर का है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, अच्छा ठीक है। 25 नंबर आपको मिलेंगे, ये टॉपिक है आपका, मैं ऊपर देख रहा था, ये टॉपिक नहीं, ये टॉपिक है आपका, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एजुकेशन इज नाउ एक्सेसिबल टू ऑल, इसके ऊपर एक डिबेट आपको करनी है, डिबेट क्या बहस लिखनी है, ठीक है, इंग्लिश में। फिर आपका इसी में कुछ टिप्स दे रखी है, ये इन्होंने टिप्स भी बता रखी है, राइट ए ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक ओपनिंग स्टेटमेंट, गिव टू फैक्ट्स सपोर्ट यूर ओपिनियन, राइट टू क्वेश्चंस विच यू आर थिंक यू आर अपोनेंट्स माइट आस्क यू ऑन द बेसिस ऑफ द यूआर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो पूरा ये कुछ टिप्स दे रखी है, इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए एक डिबेट आपको लिखना होगा इंग्लिश में। उसके बाद क्वेश्चन 4, यू आर राइट, अच्छा मतलब लेटर लिखना है आप न्यू मेंबर ऑफ टीम, कोच गाइड, ठीक है, एक लेटर आपको ले लिखना होगा। ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा इसी बेस पे लेटर आएगा, लेटर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चौथे नंबर पे लेटर आएगा, पांचवे पे आपसे पूछेगा, ये भी कोई टॉपिक है, रफ ड्राफ्ट ऑन दिस टॉपिक, वॉक अप द ऑन डेटर, देयर वेयर नो रूल्स अबाउट एनीथिंग इन लाइफ, यूज ऑफ द इमेजिनेशन, देख लीजिए, डेवलप द ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड अबाउट द प्रॉपर पैराग्राफ, पैराग्राफ आपको लिखना है 15 नंबर इसके 10 नंबर ऊपर के। छठा क्वेश्चन है यूज अप्रोप्रिएट फंक्शन मार्क्स फॉलोइंग पैराग्राफ, अच्छा ठीक है, ये आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको आपको इतनी लाइन से पूरा पैराग्राफ आपको बनाना होगा, ठीक है। राइट ए क्रिएटिव स्पीच ऑन द वे यूर लाइफ हैज चेंज ड्यूरिंग द पेंडेमिक, 15 नंबर का ये भी आपका एक पैराग्राफ है कि जो कोविड में आपकी लाइफ कैसे चेंज हो गई, ठीक है।
देखिए मैं ये नहीं कह रहा ये पैराग्राफ आएंगे, पैराग्राफ मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस किस क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, तो यही इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाला है। तो ये पूरा पैटर्न था इंग्लिश फ्लुएंसी का, आप देख सकते हो। बाकी वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।